हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अभिषेक। आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। गाइस, फिर नोटिस चैनल नंबर लेट होटल, ये मेरी क्रिप्टोग्राफी की सीरीज चल रही है। इससे पहले अप्रॉक्सीमेटली 34 वीडियोस डल चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं, गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, उससे पहले हम देखते हैं कि वाई डू वी नीड अ डिजिटल सिग्नेचर। एक एग्जाम्पल समझते हैं पहले। सपोज देयर इज अ पर्सन ए और एक पर्सन बी है हमारा, ठीक है। तो ए पर्सन ने बोला बी पर्सन को कि आई गिव यू 5000 रुपीज़ ऑन 3rd of December। हमको नहीं पता क्या सीन हुआ, कुछ इसने इससे लिए होंगे या जो भी, तो इसने उसको सिंपल बोला कि मैं तेरे पैसे लौटा दूंगा भाई 3 तारीख को। अब ऐसे ही करते करते बी ने पूरा वेट किया, 3 तारीख निकल गई, 4 तारीख आ गई। तो इसने सोचा कि यार मैं इससे पूछता हूँ कि क्या दिक्कत है, इसने भेजे क्यों नहीं। फिर जब इसने इससे पूछा कि वैन विल यू गिव माई मनी बैक, तो उसने बोला सिंपल कि भाई मैंने तो तेरे को कोई ऐसा मैसेज भेजा ही नहीं। वो अपना डिनाई कर दिया, बंदा पलट गया अपनी बात से कि मैंने ऐसा कोई मैसेज भेजा ही नहीं यार तेरे को। तो कहता है कि देख भाई भेजा है, तो वो बोलता है सिंपल यार मेरा हैक अकाउंट हो गया होगा, मैं तो ऐसा कुछ भेजा ही नहीं तेरे को। तो वो बेचारा सैड हो जाता है। तो इस सिचुएशन में वो कुछ कर भी नहीं सकता है ना, बी पर्सन जो हमारा है। सो इस सिनेरियो में हमारे पास, अगर कोई इसने इसको रिटर्न में दिया होता अपना साइन करके, तो इसके पास प्रूफ होता कि देख तूने मेरे को दिया है और यू विल हैव टू गिव मी द मनी। तो इसके पास कोई प्रूफ नहीं है फिलहाल, तो इसीलिए हमारा डिजिटल सिग्नेचर कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं। सो सिंपली देर इज़ नो प्रूफ दैट ए ने इसको मैसेज सेंड किया है बी को। क्यों? क्योंकि हमारा एक्चुअल में एक अकाउंट हैक भी हो सकता है, देर इज अ पॉसिबिलिटी। सो दैट्स वाई बी पर्सन के नॉट डू एनीथिंग है। सो दैट इज द रीजन गाइज वाई वी नीड अ सिग्नेचर। अब जैसे कि हम लोग सिंपली बैंक में अपना चेक भी जमा करते हैं, तो सिंपल अपना साइन करके देते हैं ना। सो गाइज हम साइन करके क्यों देते हैं? टू प्रूव दैट येस आई एम द ऑथेंटिक पर्सन, मैं ही वो बंदा हूँ जिसका अकाउंट है। तो हम अपना एक तरीके से अपनी आइडेंटिटी को प्रूव कर रहे हैं कि हाँ आई एम द एक्चुअल पर्सन। तो इसीलिए हम वहाँ पे सिग्नेचर करते हैं। अब सिमिलरली डिजिटल वर्ल्ड में क्या होता है, अब हम लोग जब अपने ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं, जैसे कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट भी ले लो, हम अपना सिंपल शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी हमारा ये डिजिटल सिग्नेचर का कंसेप्ट यूज़ होता है। कोई भी हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या फिर और भी हमारी वेबसाइट्स हो गई कुछ भी, सो इन सब जगहों पे गाइस हमारा डिजिटल सिग्नेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है। सो बस सिंपल सी बात यह कि सिग्नेचर हमारा प्रूफ देता है कि इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ करेक्ट पर्सन। और हम सिमिलरली अपना जब रिटर्न एप्लीकेशन भी सबमिट करते हैं अपने कॉलेज में या स्कूल में, तो हम अपना साइन कर देते हैं। क्यों? ताकि हम बता सकें कि येस इट इज़ फ्रॉम माई साइड ओनली, किसी और ने नहीं भेजा है। तो सिमिलरली अब हम डिजिटल सिग्नेचर पढ़ेंगे जो अपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड करते हैं फ्रॉम ए पर्सन टू बी पर्सन, तो वहाँ पे तो हम अपना कंप्यूटर में साइन नहीं कर सकते ना, ऑब्वियसली अपने जो डॉक्यूमेंट्स हम भेज रहे हैं। तो उसके लिए हमारा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है डिजिटल सिग्नेचर का। सो गाइस देखते हैं डिजिटल सिग्नेचर का कंसेप्ट क्या होता है। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ई कॉमर्स ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एक्सेट्रा, ठीक है। हर जगह पे जब भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड करते हैं या फिर हम कुछ भी ऑर्डर कर रहे हैं, हमें अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ती है ना कि येस आई एम द करेक्ट पर्सन, आई एम द पर्सन हु इज़ ऑर्डरिंग समथिंग। सो दैट्स वाई डिजिटल सिग्नेचर हमारा वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है का हर चीज़ों में, जितने हमारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। इसमें अपना पब्लिक प्राइवेट की का कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं। एंड इंक्रिप्शन के दौरान आप प्राइवेट की यूज़ करेंगे और डिक्रिप्शन जब आप करेंगे तो यू विल यूज़ द पब्लिक की ऑफ अ पर्टिकुलर यूज़र। एंड द सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो आपकी आती है, इट इज़ यूज फॉर मैसेज ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रिप्यूडिएशन, और हमारा मैसेज इंटीग्रिटी के लिए भी ये यूज़ होता है। सिंपली फ्रेंड्स हमारा मैसेज ऑथेंटिकेशन क्या हो गया कि हमें पता चल जाए कि हाँ जो हमारा ऑर्डर प्लेस हुआ है, अगर सपोज हम ऑर्डर कर रहे हैं कुछ, तो हाँ ए पर्सन ने करा या फिर अभिषेक ने ही वो ऑर्डर दिया है, तो उसको पता चलना चाहिए। अगर अमेजोन से मैंने ऑर्डर किया है तो उसको पता चलना चाहिए कि यस दिस इज़ द पर्टिकुलर पर्सन जिसने ये ऑर्डर दिया है। एंड नॉन रिप्यूडिएशन मतलब कि अगर मैं कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ तो मैं डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं यार मैंने तो कोई ऑर्डर करा ही नहीं, ठीक है। तो नॉन रिप्यूडिएशन का मीनिंग होता है, ये हम गाइस पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपनी सिक्योरिटी सर्विसेज वगैरह में डिटेल में। एंड मैसेज इंटीग्रिटी हमारा कि हमारा जो मैसेज है वो हमारा चेंज नाउ ट्रांसमिशन के दौरान, ठीक है। तो सिंपल से ये हमारे हो गए कुछ कॉन्सेप्ट्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रेंड्स, समटाइम्स कुछ लोगों का कन्फ्यूजन हो जाता है, इट इज़ नॉट एट ऑल यूज फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी। ये सिर्फ आपका मैसेज ऑथेंटिकेशन बता रहा है, नॉन रिप्यूडिएशन बता रहा है, एंड मैसेज इंटीग्रिटी हमको प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। तो ये हमारी तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इससे हमें डिजिटल सिग्नेचर हमको प्राप्त हो जाती है, हम कह सकते हैं मिल जाती है। एंड इट इज़ नॉट यूज फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, इस चीज़ को आप ध्यान रखें अभी। सो गाइस नाउ लेट्स सी दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, पूरा हमारा डिजिटल सिग्नेचर का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा इससे। सपोज ए पर्सन है वो बी को मैसेज सेंड कर रहा है, ओके। तो ऑथेंटिकेशन हमको कैसे प्रोवाइड हो रही है फ्रेंड्स, इस की वजह से, जो कि अगर ए पर्सन बी को मैसेज भेज रहा है ना, तो वो अपनी प्राइवेट की को यूज़ करेगा और उसको यूज़ करके अपना साइनिंग एल्गोरिथम्स वगैरह में भेजेगा ताकि उसका डिजिटल सिग्नेचर प्रोड्यूस हो। अब जैसे कि देखिए आप, ए यहाँ पे हमारा ए सेंडर है, बी इज़ अवर रिसीवर, ये समझिए। तो उसने अपना मैसेज जो भी है उसने सेंड किया और उसने अपनी प्राइवेट की को यूज़ किया और उसने एक एल्गोरिथम में इसको भेजा, डिजिटल सिग्नेचर जनरेशन एल्गोरिथम इसको बोल सकते हैं, और कहीं जगह पे साइनिंग एल्गोरिथम भी सिंपल इसको बोल सकते हैं। तो एक तरीके से हमारा इंक्रिप्शन टाइप का कर रहा है, एग्जैक्टली इंक्रिप्शन एल्गोरिथम इसको नहीं बोल सकते हैं, बट इससे हमारा क्या होगा, अवर डिजिटल सिग्नेचर विल बी प्रोड्यूस। इसके अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है, इसके बाद एक और डायग्राम में आपको दिखाऊंगा, उसमें हमारे हैश फंक्शंस वगैरह यूज होते हैं, तो उसकी मदद से हमारा एक सिग्नेचर जनरेट होगा सिंपल। एंड जो सिग्नेचर जनरेट होगा गाइस, उसको हम अपना मर्ज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, मैसेज। मैसेज और सिग्नेचर जो है हमारा, उसको हम सेंड करेंगे टू द सेकंड पर्सन, बी पर्सन जो है हमारा। एंड सिंपली वो अपने साइड पे जब डिक्रिप्शन करेगा तो पब्लिक की ऑफ ए यूज़ करेगा,
क्योंकि हमने यहाँ पे प्राइवेट की से इंक्रिप्शन किया, तो सिंपली उसको जो डिक्रिप्शन है पब्लिक की ऑफ ए से ही करना पड़ेगा ना। तो दैट्स वाई ही विल यूज हेयर वट अपना यहाँ पे हमने साइनिंग एल्गोरिथम यूज़ किया था, दैट इज डिजिटल सिग्नेचर जनरेशन एल्गोरिथम। तो हम यहाँ पे फ्रेंड्स अपना डिजिटल सिग्नेचर वेरीफिकेशन एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, वो अपना वेरीफाई करेगा कि हाँ ए पर्सन ने ही मैसेज भेजा या नहीं भेजा है। सो गाइस जब उसने प्राइवेट की से अपना इंक्रिप्शन किया तो सिंपली हम अपना डिक्रिप्शन पब्लिक की ऑफ ए से ही करेंगे एंड सिंपली उसके बाद हमको क्या मिल जाएगा, मैसेज मिल जाएगा। एंड आफ्टर दैट विल चेक दी वैलिडिटी ऑफ द मैसेज कि ये हमारा मैसेज सही है कि नहीं है। अब इसको वैलिडिटी हम मैसेज को हम गाइस चेक कैसे करते हैं, अगेन यहाँ पे हम अपना हैश फंक्शंस का कंसेप्ट चूज़ करते हैं और फिर हम अपने यहाँ पे यहाँ की हैश वैल्यू, यहाँ की हैश वैल्यू जो होती है उसको हम मैच करते हैं। अगर सेम हो गई हमारी वैल्यूज़ तो वी से दैट येस आवर मैसेज इज़ ओके, वैलिडिटी है, कोई यहाँ पे बीच में चेंजेस नहीं हुए हैं। तो अगर मैं वो डायग्राम आपको दिखाता हूँ, सो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके का सिनेरियो है। सपोज ए पर्सन ये रहा, बी को उसने भेजना है मैसेज, ओके पूरा दिख रहा है, यस दिख रहा है। सो फ्रेंड्स ए पर्सन है, बी पर्सन है, इसको मैसेज भेजना है बी को। तो इसने अपना मैसेज लिया, उसको एक हैश फंक्शन के थ्रू पास करवाया, एच इज आर हैश फंक्शन, तो उससे हमारी हैश वैल्यू जनरेट हुई जिसको हम एच से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आफ्टर दैट उसने क्या किया, मैसेज और एच को अपना अपेंड कर दिया और फिर उसके बाद उसने इंक्रिप्शन कर दिया अपना सिंपल सा यूजिंग व्हाट, प्राइवेट की ऑफ ए, अपनी की से उसने इंक्रिप्शन कर दिया ताकि पता चल सके दैट येस मैं ही वो पर्सन हूँ जो मैसेज भेज रहा है। एंड सिंपली जब उसने इंक्रिप्शन कर दिया फ्रेंड्स, तो हमारे पास क्या मिला, फ्रेंड्स हमारा जो मैसेज है वो एक इंक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है एंड वी हैव दी हैश वैल्यू ऑल्सो, ठीक है, हमारा हैश और मैसेज जो था यहाँ पे आ चुका है। एंड सिंपली जब हम इसको पब्लिक की ऑफ ए से डिक्रिप्ट करेंगे यूजिंग दैट एल्गोरिथम, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम, तो हमारे पास मैसेज और हैश वैल्यू वापस आ जाएगी ना। यहाँ पे तो हमारा जो हमने इसको इंक्रिप्ट किया तो हमारा एक स्पेशल फॉर्म में मैसेज आ गया होगा, है ना, मैसेज और हैश वैल्यू का इंक्रिप्टेड फॉर्मेट जो होगा हमारा। फिर उसको हमने डिक्रिप्शन किया तो सिंपली हमें मैसेज और हैश वापस से मिल गया। एंड आफ्टर दैट व्हाट विल डू इज सिंपली जो हमारा मैसेज था ना, देखो यहाँ पे हमारा मैसेज था तो उसमें हमने हैश वैल्यू, हैश फंक्शन लगाया तो हैश वैल्यू मिल गई सिंपली। अब जो इसका मैसेज पार्ट होगा उसको हम लेंगे, उस पर हैश फंक्शन लगाएंगे एंड उससे हमारा क्या जनरेट होगा, हैश वैल्यू जनरेट होगा। बिल्कुल वही कंसेप्ट है, मैसेज पे आपने हैश फंक्शन लगाया, मैसेज पे यहाँ पे हमने हैश फंक्शन लगाया तो हैश वैल्यू निकलेगी यहाँ। फिर उसके बाद आपने इस वाली हैश वैल्यू को लिया एंड सिंपली विल कंपेयर दिस टू वैल्यू, जो आपकी हैश वैल्यू यहाँ पे थी और जो आपकी एच वैल्यू जनरेट हुई है, अगर ये दोनों आपकी सेम होंगी तो येस हमारा डेटा कुछ बीच में चेंज नहीं हुआ है एंड येस हमारा जो पर्सन ए है उससे हमारा मैसेज भेजा है और बिल्कुल सही मैसेज हमको पहुंच चुका है। सो दिस वॉज अवर जनरल कंसेप्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। एच हमारा हैश फंक्शन है, छोटा एच हमारा हैश कोड रिप्रेजेंट करता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैसेज डाइजेस्ट। ये डबल सिंबल हमारा अपेंड का बताता है मीनिंग कि मतलब हमारा एक मैसेज और दो मैसेज है तो उसको हमने अपेंड कर दिया मैसेज को, ओके तो ये हमारा हो गया कंसेप्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। इस तरीके से हम हैश फंक्शन यूज कर रहे हैं और उसकी जो हैश वैल्यू या फिर मैसेज डाइजेस्ट आ रहा है उसकी मदद से हम यहाँ पे अपना डिजिटल सिग्नेचर का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स सिंपली हैश फंक्शन का यूज़ करके हमको डेटा इंटीग्रिटी मिल गई। कैसे मिल गई है, अगर सपोज हमारे यहाँ पे कहीं पे बीच में डेटा चेंज हो जाता है, कोई अटैकर अटैक कर देता है, ईव अटैक करता है एंड उसको डेटा को चेंज कर देता है, तो यहाँ पे क्या सिनेरियो होगा फ्रेंड्स, हमारा जो हैश वैल्यू थी ना जो स्टार्टिंग में जनरेट हुई थी यहाँ पे आपको हैश वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। एंड जब आप मैसेज को हैश फंक्शन से पास करोगे तो आपके यहाँ पे तो वही वाली हैश वैल्यू मिलेगी जो स्टार्टिंग में थी। सो ये वाली हैश वैल्यू और ये वाली हैश वैल्यू आपकी सेम हो जाएगी, जो मैसेज डाइजेस्ट है सेम हो चुका है। एंड जो आपकी बीच में चेंजेस करे ना किसी ने तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो ये वाली हैश वैल्यू होगी ना ये चेंज हो जाएगी। तो सिंपली आपका एच और ये वाली हैश वैल्यू मैच नहीं करेंगे तो सिंपली विल गेट व्हाट कि हाँ बीच में कोई चेंजेस हुए हैं, कुछ घपला हुआ है। सो इस तरीके से हमको मैसेज इंटीग्रिटी भी यहाँ से पता चल जाती है। नाउ गाइस सिंपली द सिग्नेचर मस्ट यूज सम इन्फॉर्मेशन यूनिक टू द सेंडर टू प्रिवेंट बोथ फॉर्जरी एंड डिनाइल। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि यूनिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए सेंडर की, क्यों, ताकि वो बंदा हमारे को बाद में डिनाई ना कर दे कि मैंने ऐसा कोई मैसेज भेजा नहीं है, तो हमारे पास उसका प्रूफ होना चाहिए कि देख ये तेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मेरे को इसके बारे में पता है, तेरी ही इन्फॉर्मेशन है, तूने दी थी, ओके तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया। सो हमें मैसेज इंटीग्रिटी या डेटा इंटीग्रिटी मिल रही है, कैसे वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी देख लेते हैं। बिकॉज इफ मैसेज अगर हमने चेंज किया द रिसीवर साइड तो पहुंचते पहुंचते चेंज हो गया, वी विल नॉट गेट द एग्जैक्ट मैसेज एंड देयरफॉर अपना मैसेज इंटीग्रिटी और डेटा इंटीग्रिटी हमको कैसे मिल रही है, अचीव यूजिंग द हैशिंग कंसेप्ट जो मैंने आपको भी समझाया, मैसेज डाइजेस्ट जो हमारा बनना था, हैशिंग वैल्यू, हैश वैल्यूज जो हमारी जनरेट हो रही थी। अब एक इंपॉर्टेंट नोट क्या है गाइस, व्हेन वी साइन अ डॉक्यूमेंट डिजिटली वी सेंड द सिग्नेचर एज अ सेपरेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, अपना एक ही डॉक्यूमेंट नहीं जाता है। अगर हम भेज रहे हैं, मैंने सपोज मैसेज भेजा और अपना डिजिटल सिग्नेचर भेजा, तो दोनों अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की तरह जाएंगे, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। एंड सेंडर सेंड्स टू डॉक्यूमेंट्स, मैसेज एंड सिग्नेचर, ठीक है, ये हमारा हो गया सिंपल सा। और अगर हम बात करते हैं एज अ डेफिनेशन या फिर सिंपल अगर हम डिफाइन करें तो डिजिटल सिग्नेचर इज एन ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, वी कैन से दैट इनेबल्स द क्रिएटर ऑफ अ मैसेज टू अटैच अ कोड दैट एक्ट्स एज अ सिग्नेचर, ओके ये भी हम कह सकते हैं। Some important points about digital signature. Signature must use some information unique to the sender to prevent forgery and denial. जो हमने अभी देखा था पीछे डायग्राम में। It must be easy to produce digital signatures. Obviously, अगर easy नहीं होगा तो हम इसको क्यों यूज़ करेंगे। And it must also be easy to verify and recognize the digital signature. तभी ताकि हमारा time वाइम वेस्ट ना हो, तो इसलिए सिंपल सा होना चाहिए कंसेप्ट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे हमारा वी नीड की जनरेशन एल्गोरिथम, जिससे कि हमारा प्राइवेट की जनरेट हो। साइनिंग एल्गोरिथम चाहिए होगा हमारे को और इसमें हम इनपुट क्या देंगे, अपना फ्रेंड्स एम देंगे और प्राइवेट की देंगे, जैसे हमने अभी डायग्राम में देखा था, और आउटपुट हमको डिजिटल सिग्नेचर मिलेगा, है ना, साइन बन के हमारा।
मिलेगा। एंड एट द एंड हमको वेरिफिकेशन एल्गोरिथम भी चाहिए कि हाँ हमारा वेरीफाई हो पा रहा है कि हैश वैल्यू सेम है कि नहीं है। सो हाउ वी आर गेटिंग द मैसेज ऑथेंटिकेशन, अगर हम इसको भी डिस्कस करते हैं, तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, प्राइवेट की यूज़ करी थी ना ए पर्सन की, और उसको डिक्रिप्ट सिर्फ जब करेंगे तो पब्लिक की ही यूज़ कर पाएंगे। तो जब हम पब्लिक की यूज़ करेंगे ए की, तो इट इज़ ऑब्वियस कि येस हमारा इनक्रिप्शन जो है प्राइवेट की ऑफ ए से ही हुआ है। तो सिंपली हमको पता चल जाएगा कि येस ए पर्सन ने ही जो है मैसेज भेजा हुआ है। तो वही चीज़ लिखी हुई है, बॉब कैन वेरीफाई दैट मैसेज इज सेंड बाय एलिस बिकॉज एलिस की पब्लिक की इज यूज फॉर द वेरीफिकेशन। हमारा जो एल्गोरिथम होता है, मतलब जो हमारा रिसीवर साइड पे, एंड वी गेट द सेम मैसेज डाइजेस्ट और द हैश वैल्यू ओनली इफ प्राइवेट की ऑफ एलिस इज यूज्ड। देयरफॉर ऑथेंटिसिटी हमारे को मिल चुकी है। मतलब एलिस ने बॉब को मैसेज भेजा, ओके एलिस की प्राइवेट की हमने यूज़ करी यहाँ पे इंक्रिप्शन के दौरान, और डिक्रिप्शन करते हुए बी ने क्या किया, इसकी पब्लिक की को यूज़ किया। सो गाइज इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अगर हम पब्लिक की ऑफ बी से डिक्रिप्शन कर रहे हैं, तो हमारा जो इंक्रिप्शन पार्ट है उसमें हमारा प्राइवेट की ऑफ ए ही यूज़ हुआ होगा, एंड दैट्स वाई द मैसेज इज कमिंग ओनली फ्रॉम ए। ओके तो ये हमारा कुछ सिनेरियो हो गया, ए इज़ एलिस एंड बी इज़ बॉब इस वाले एग्जांपल के लिए। मैसेज इंटीग्रिटी कैसे मिल रही है हम देख चुके हैं, हैश वैल्यूज हमारी सेम हो गई तो हमको मैसेज इंटीग्रिटी हो जाएगी। नॉन रिपीटेशन क्या हो गया फ्रेंड्स, कोई अपनी बात को झुठला नहीं सकता, ये हमारा सिंपल सा नॉन रिपीटेशन होता है, इट इज़ अचीव्ड बाय यूजिंग अ ट्रस्टेड थर्ड पार्टी। नाउ फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट थिंग और क्या है हमारी, यहाँ पे हमने कोई सिंपल इंक्रिप्शन वगैरह कुछ करनी है तो सिंपली हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी है ही नहीं, कोई भी बंदा आएगा बीच में हैकर और हमारा मैसेज को उठा के ले जाएगा, है ना, उसको यूज़ कर लेगा सिंपल सा, तो इसलिए यहाँ पे हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं थी। बट गाइस जो हमने ये वाला कंसेप्ट पढ़ा है कि जनरल कंसेप्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, जो मैंने आपको हैश वैल्यू वाला कंसेप्ट बताया, इसमें हमने अपना इंक्रिप्शन भी लगा दिया और डिक्रिप्शन भी हम यूज़ कर रहे हैं। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी को खुद से प्रोड्यूस करवा रहे हैं। ओके नॉर्मल कंसेप्ट जो डिजिटल सिग्नेचर का है उससे हमें कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं मिलती है, हम उसको अचीव कैसे कर रहे हैं, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन यहाँ पे लगा के, है ना, अपना हैश वैल्यू जो हमारी जनरेट हो रही है उसको पेंड करके फिर हम यहाँ पे इंक्रिप्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हमारे यहाँ पे हमको कॉन्फिडेंशियलिटी मिल जाएगी। ओके तो ये हमारा कंसेप्ट होता है। बट नाउ फ्रेंड्स अगर हमको कॉन्फिडेंशियलिटी भी अचीव करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अलग से इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करेंगे और हमारे कॉन्फिडेंशियलिटी मिलेगी। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल एलिस बॉब को मैसेज भेज रही है, एंड हमने यहाँ पे क्या किया, मैसेज इसको इनपुट दिया और एलिस ने अपनी प्राइवेट की का यूज किया। ओके डिजिटल सिग्नेचर कंसेप्ट में भी मैंने आपको डायग्राम में जो बताया था वही कंसेप्ट है। साइनिंग एल्गोरिथम में इसने इसको भेजा तो इसका सिंपल यहाँ पे हमारा साइन जनरेट होगा, और फिर उसने हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ताकि हमारा कोई मैसेज को चुरा ना सके, यहीं पे हमने इंक्रिप्शन का परफॉर्म कर दिया। ठीक है बॉब की पब्लिक की से हमने इंक्रिप्शन किया है ताकि जब उसको रिसीवर साइड पे वो उसको रिसीव करे तो बॉब ही उस मैसेज को ले सके, है ना, पब्लिक की इसलिए यूज़ करी क्योंकि प्राइवेट की तो बॉब को पता होगी। तो इसलिए इस वाले मैसेज को जो हमने इंक्रिप्ट किया है इसको डिक्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ कौन कर पाएगा, बॉब कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमने मैसेज भेजा थ्रू इंटरनेट जो भी हमारा नेटवर्क है। बॉब ने इस मैसेज को अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट किया, यहाँ पे डिक्रिप्ट आएगा फ्रेंड्स गलत लिखा हुआ है, एंड सिंपली वो अपना इस अपनी प्राइवेट की को यूज़ करके इसको डिक्रिप्ट करेगा और फिर उसके बाद वेरिफिकेशन एल्गोरिथम में इसको पास करेगा। एंड आफ्टरवर्ड क्योंकि यहाँ पे हमने अपनी एलिस की प्राइवेट की यूज़ करी थी तो दैट्स वाई अपना वेरिफिकेशन एल्गोरिथम में हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी पब्लिक की यूज़ करनी पड़ेगी एलिस की। सो यहाँ पे पब्लिक की यूज़ करेंगे एलिस की, विल गेट द सेम मैसेज। ओके तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया। कॉन्फिडेंशियलिटी आपको चाहिए तो सिंपल सी बात, ये आपको इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन लगाना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है।